हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग 32। तो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ रविंद्र सरोवर लेक के लिए, जो कि बहुत ही फेमस और मशहूर है कोलकाता का रविंद्र सरोवर लेक। तो अभी मैं मैदान से बाईपास जाऊँगा एमजी रोड सेंट्रल के लिए, और वहाँ से मेट्रो पकड़ के मेट्रो से निकलेंगे फिर हम रविंद्र सरोवर मेट्रो। तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक, चलते हैं देखते हैं रविंद्र सरोवर लेक। तो गाइस, आ चुका है 72 नंबर बस जो कि एमजी रोड जाता है सियालदा। तो अभी इसमें चलते हैं एमजी रोड, और एमजी रोड जाने के बाद हम सेंट्रल मेट्रो जाएंगे। तो गाइस, अभी मैं आवरा मैदान से आया हूँ बाईपास 72 नंबर बस पकड़ा था, और अभी मैं एमजी रोड सेंट्रल में उतर चुका हूँ। और ये देख रहे हैं आप कोलकाता हॉस्पिटल के पास हूँ। अभी जा रहा हूँ एमजी रोड सेंट्रल मेट्रो में, मेट्रो पकड़ के फिर निकलूँगा अभी रविंद्र सरोवर लेक के लिए। तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक, चलते हैं देखते हैं रविंद्र सरोवर लेक। ये रहा सेंट्रल मेट्रो, जिसका सेंट्रल का वर्ड गैप है। तो चलते हैं अभी हम गेट नंबर 6 से अंदर की तरफ। वेलकम। तो गाइस, यहाँ पे टोकन सिस्टम ख़त्म हो चुका है, स्मार्ट कार्ड बनवाना पड़ेगा। और ये देख रहे हैं इसका प्राइस है कोविड की वजह से। यहाँ पे ये बैलेंस 144, हाँ तो ये तो आपको 44 दिखा रहा है, ये कार्ड रहा ना, एक साल वैलिडिटी है ना इसका। अगर ये खो जा रहा है तो इसका कोई फाइन माइन भी देता पड़ता है क्या? चलो, जैसे दादा अभी हमको ये जाना है रविंद्र सरोवर लेक के लिए, तो नीचे बाया था इधर से ना। तो जैसा कि गार्ड ने बताया, यहाँ पे नीचे जाके अभी हमको लेफ्ट जाना है, लेफ्ट तो 2 नंबर से कर रहा है प्लेटफॉर्म। और गाइस, बता दूं आपको कि ये कार्ड अभी यहाँ पे दिया जा रहा है, टोकन सिस्टम ख़त्म हो गया है, तो ये कार्ड दिया जा रहा है आपको एक साल के वैलिडिटी के लिए। बाकी आपको इसमें रिचार्ज बैलेंस करवाना पड़ेगा। तो 2 नंबर अभी प्लेटफॉर्म से हम लोग पकड़ते हैं रविंद्र सरोवर के लिए। टाइमिंग दिखा रहा है, टाइम हुआ भी था अभी यहाँ से आपका चांदनी चौक, एस्प्लानेड, पार्क स्ट्रीट, मैदान, रविंद्र सदन। आपको यहाँ से यतीम दास पार्क, कालीघाट, रविंद्र सरोवर। अच्छा, रविंद्र सरोवर तुम्हारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर पे आ रहा है रविंद्र सरोवर। और गाइस, देख रहे हैं आप एक नंबर प्लेटफॉर्म से आपको दिखा रहा है महात्मा गांधी रोड, ब्रिज पार्क, शोभा बाजार, श्याम बाजार, बेलगछिया, दमदम, नोपारा। तो एक नंबर प्लेटफॉर्म से आप वहाँ पे जा सकते हैं। और अभी हमको सेकंड पे वेट करना है, क्योंकि हमको जाना है रविंद्र सरोवर लेक। ये काबी सुभाष अभी रहा 14-13, मतलब 2-13 में, और यहाँ पे दिखा रहा है हमको काबी सुभाष, लास्ट स्टॉपेज काबी सुभाष है। तो यहाँ पे देखना है, अभी टाइम हो रहा है 2:08, तो वेट करते हैं थोड़ा 5 मिनट, फिर यहाँ पे अभी मेट्रो आएगा तो फिर चलेंगे मेट्रो से। और वेट करने का अभी 2:10 हो चुका है, और टाइमिंग दिखा रहा है 2:13 में, तो वेट करते हैं। तो गाइस, देख रहे हैं जैसा कि आपको 2:13 यहाँ पे हो चुका है, और टाइमिंग भी 2:13 का ही है कभी सुभाष के लिए, जो न्यू गरियाहाट के लिए जाता है। तो अभी टाइम हो चुका है, देखते हैं मेट्रो आ रही है कि नहीं, थोड़ा टाइम करते हैं अभी वेट। टाइम तो हो चुका है आने का, और इधर से ये देख रहे हैं आ चुकी है। Thank you.
एक बार ट्रैवल किए तो कार्ड देख ले रहे हैं, 45 बैलेंस बताया गया था कि देता है कार्ड में। तो अभी एक बार आए हैं हम लोग सेंट्रल से रविंद्र सरोवर, तो देखते हैं अभी बैलेंस कितना बचा है इसमें। तो देख रहे हैं 29 रुपीज़ अभी बैलेंस बच गया है। ये एक नंबर दो नंबर गेट की तरफ से हमको निकलना है रविंद्र सरोवर लेक के लिए। तो गाइस एक नंबर गेट से हमको अभी निकलना है रविंद्र सरोवर लेक के लिए, और यहाँ पे धूप हो चुका है, वहाँ पे तो बारिश हो रहा था बहुत तेज का। तो बने रहे वीडियो में, ये देख रहे हैं आप रविंद्र सरोवर। उतरे अभी हम मेट्रो के पास और चलते हैं अभी। लेक के लिए जाना कितना दूर है यहाँ से पूछना पड़ेगा। तो गाइस बैड लक नहीं मालूम होने की वजह से अभी हमको वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से रविंद्र सरोवर बंद चल रहा है। और पता क्या, वहाँ पे बगल में तो मालूम चला कि सितंबर से खोल दिया जाएगा, लेकिन वो कंफर्म नहीं है अभी खुलेगा कि नहीं खुलेगा, वो तो पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो अभी हम जा रहे हैं वापस, और सुबह टाइमिंग अभी चल रहा है क्योंकि मॉर्निंग वॉक के लिए वो एक तरह का पार्क है, तो मॉर्निंग वॉक के लिए उसका टाइमिंग चल रहा है सुबह 6 से 9। तो कल सुबह कोशिश करते आने का, क्योंकि वीडियो अपना कंप्लीट कर लेंगे, सुबह 6 से 9 का टाइमिंग है। तो मिलते हैं फिर गाइस। अगर आपको भी आना होगा तो अभी पता कर ले पहले, उसके बाद ही है कि अभी खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ चल रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारा जगह कोलकाता में टूरिस्ट पहले बहुत सब बंद चल रहा है, तो आके फ़ायदा नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं वापस मेट्रो से, क्या करेंगे फिर सुबह आते हैं, सुबह कोशिश करते हैं 6 से 9 के बीच का शूट करते हैं। मिलते हैं फिर आगे। Tomorrow for sure, the next day later. Hello guys, welcome back to another day. तो guys, जैसा कि आपको बता दूं कि कल जैसा कि देखा आपने कि सही इन्फॉर्मेशन कहीं गूगल पे या गूगल मैप पे नहीं रहने की वजह से, यूट्यूब पे भी नहीं रहने की वजह से हम लोग को वापस जाके आना पड़ा, क्योंकि अभी मॉर्निंग वॉक के लिए सिर्फ खुल रहा है 6 से 9, और हम लोग सवेरे गए नहीं थे, हम लोग लगभग 1:30 बजे के आसपास गए थे। तो हम लोग को वापस आना पड़ा क्योंकि अभी कोरोना की वजह से बंद चल रहा है रविंद्र सरोवर। तो आज नेक्स्ट डे मैं निकल रहा हूँ सुबह सुबह, अभी लगभग सुबह का 6:30 होने जा रहा है, और अभी हम निकल रहे हैं रविंद्र सरोवर के लिए। अभी देख रहे हैं जैसा कि हम आबरा ब्रिज पे हैं, और यहाँ से देखते हैं कितना टाइम लगता है और कितना किलोमीटर लगता है। आपको मेट्रो का तो रूट बता दिया गया है कैसे जाना है, और अभी हम गाड़ी से निकल रहे हैं भाई, तो देखते हैं हावड़ा से कितना किलोमीटर पड़ता है और कितना टाइम लगता है। तो बने रहे वीडियो में गाइस, लास्ट तक चलते हैं देखते हैं। जैसा देख रहे हैं आप कि अभी 6:24 हो रहा है और 5.5 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी है हमारा। तो अभी हम चलते हैं आगे सीधा और देखते हैं कैसे जाना है, मैप के थ्रू चलते हैं क्योंकि रास्ता हमको भी सही से मालूम नहीं है और क्या टाइम लगता है। तो बने रहेगा इस वीडियो में लास्ट तक, चलते हैं देखते हैं रविंद्र सरोवर। तो गाइस निकल चुका हूँ मैं अभी हावड़ा से बाई बाइक रविंद्र सरोवर लेक के लिए, और हावड़ा से मैं जाऊँगा अभी
मैप पे जैसा कि शो कर रहा है, तो बर्मन रोड होते हुए मैं धर्मतला जाऊंगा और धर्मतला से पार्क स्ट्रीट, पार्क स्ट्रीट से फिर कालीघाट वाले रूट में जाके कालीघाट से थोड़ा आगे पड़ता है ये रविंद्र सरोवर। तो बने रहेगा इस वीडियो में क्योंकि बहुत ही जानदार होने वाला है आज का वीडियो। ये रहा इस प्लानेट न्यू मार्केट में अभी हमें, और न्यू मार्केट के बाद पार्क स्ट्रीट, और पार्क स्ट्रीट के बाद कालीघाट, और कालीघाट के बाद आ जाता है रविंद्र सरोवर लेक। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रोड नहीं है, काफ़ी इजी है मैप के में जैसा दिखा रहा है, सिर्फ दो तीन टर्निंग लेना है। ये राइलियट पार्क। तो गाइस फाइनली अभी हम रविंद्र सरोवर लेक के पास पहुंच गए हैं। अब देख रहे हैं 7:02 हो रहा है और 16.1 किलोमीटर लगभग हमको 10 किलोमीटर चले हैं और आधा घंटा लगभग लगा है हमको रविंद्र सरोवर लेक आने में। 30 से 40 के स्पीड में आए थे तो आधा घंटा लगा है लगभग। तो आइए चलते हैं अब रविंद्र सरोवर लेक के अंदर। रविंद्र सरोवर एरिया कवर्ड जोन 1-7, यहाँ पे आप पाउस करके देख सकते हैं। और ये यहाँ पे आपको 8 नंबर गेट का मैप मिल जा रहा है साइड मैप, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी इधर मैं आपको डिटेल्स दिया हुआ है, ये देख रहे हैं यहाँ पे लेक जेटी, इसको फॉलो करके आप अंदर यहाँ से जा सकते हैं। तो गाइज फाइनली आ चुका हूँ मैं रविंद्र सरोवर लेक के लिए, जिसका बेसब्री से 2 दिन से इंतज़ार था, और फाइनली आज आ ही चुके हैं ये खूबसूरत व्यू को देखने के लिए। ये देख रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज हो रहा है मॉर्निंग, कमाल का है। और इधर में देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत व्यू आ रहा है गाइज। तो गाइस फाइनली अभी हम आ गए हैं, ये देख रहे हैं आप रविंद्र सरोवर लेक पे। लगभग आधा घंटा लगा है हमको बाई बाइक आने में और फाइनली आ ही गए, क्योंकि कल तो आके वापस जाना पड़ा और बंद था। और अभी मॉर्निंग टाइम आया है, लगभग अभी 7:10 हो रहा है और अभी हम एंट्री कर चुके हैं अंदर, और काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। देख हवा चल रहा है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं रविंद्र सरोवर लेक और मज़ा लेते हैं लेक का। देख रहे हैं गाइस बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। देख रहे बादल के, अभी तक हमको लगता था कि प्रिंसेप घाट कोलकाता का सबसे खूबसूरत पार्क है, लेकिन आज ये देख के रविंद्र सरोवर भूल ही गया कि प्रिंसेप घाट को भी कोई टक्कर देने वाला पार्क है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो गाइस देख रहे हैं यहाँ पे आपको प्लेग्राउंड भी मिल जा रहा है यहाँ पे रविंद्र सरोवर लेक, इधर में लेक के साइड में आपको ग्राउंड भी है, यहाँ पे आप खेलने का भी जगह अवेलेबल है।
यहाँ पे आपको टॉयलेट भी अवेलेबल है पार्क में। डू नॉट गिव फूड टू फिश एट पद्मा पोकर। सॉलिड लग रहा है ना। कितना 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 केजी का होगा बताओ? एक एक पगला है कहा? 2 केजी देखो इतना ही लगे। 2 केजी 10-12 केजी का आराम से। कोई ये देख रहे बड़ा वाला कितना सॉलिड हो रहा है। 10-15-17 ऐसा ये भी बड़ा है ना। खाना देना मना है तो पकड़ने का बात कर रहा है। देख रहे गाइस लोटस काफी खूबसूरत लग रहा है ये कमल का, और सीन भी काफी जानदार आ रहा है यहाँ पे। रविंद्र सरोवर दिल खुश कर देने वाली जगह है ये भी। आइए देखते हैं आगे। और ये काफी खतरनाक सीन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत ही भयंकर लग रहा है यहाँ पे मछलियों, बहुत सारा बड़ा बड़ा मछली यहाँ पे। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इतना बड़ा बड़ा मछली। कमाल का है, 10-15 केजी से कम नहीं होगा। 10-15 केजी ये सब बैठी है। अभी तक का पूरा लेक में सबसे खतरनाक सीन ये है। देख रहे हो गाइस काफ़ी कमाल का जगह है, बहुत ही खूबसूरत पार्क रविंद्र सरोवर लेक। आप कोलकाता घूमने आए और कोलकाता से हैं और रविंद्र सरोवर नहीं घूमे तो क्या ही घूमे। नो स्मोकिंग, धूम्रपान मना है। बंगला में क्या है? बंगला में क्या लिखा होगा? सॉलिड लग रहा है ये, फिर देखना।
वो नहीं, ये आदमी वाला जो है तो गाइस फाइनली अभी हम निकल रहे हैं, 8 बज गया है और गर्मी भी थोड़ा लगने लगा है सुबह सुबह, तो निकल रहे हैं अभी घर के लिए। लगभग 1 घंटा हम लोग यहाँ पे थे और काफ़ी अच्छा जगह है वो तो आपने देखा ही, काफ़ी जानदार जगह है टाइम एक्सपेंड करने के लिए, मॉर्निंग टाइम के लिए भी ज़्यादा ही अच्छा है क्योंकि गार्डन पार्क है। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।